हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 84 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनडीए अभ्यास के सारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ जो है विथ आंसर की अवेलेबल है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्वालिटी आपको लो लगे तो वीडियो डर एप्लीकेशन क्रोम से डाउनलोड कर लें, उसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में चलेगा एचडी क्वालिटी में। उसका भी जो लिंक है वीडियो डर एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिजिक्स का है। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स फर्स्ट चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड इन F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। आंसर यहाँ पे डी होगा, HbA HbS HbA HbS HbA HbS और HbS HbS। रिकॉग्नाइज द करेक्ट फ्लो डायग्राम एंड फाइंड करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आंसर यहाँ पे ए होगा। ये भी एक टाइप का क्रिएटिव क्वेश्चन है, इससे जरूर अलग से नोट करके रखें। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है लेबलिंग में वो पॉलीमेनियल्स होगा, यानी धतूरा और पेटूनिया जो है वो पॉलीमेनियल्स कैटेगरी में आते हैं। मैंगो जो है वो सैपिंडल्स में आते हैं। थर्ड जो यहाँ पे है व्हीट जो है वो पोएल्स में आते हैं। और यहाँ पे जो फोर है वो धतूरा, पेटूनिया और मैंगो तीनों जो है वो डाइकोट फैमिली में आएंगे, और व्हीट जो है मोनोकोट फैमिली में आएंगे, और सारे को मिला लेंगे तो सारे एंजियोस्पर्मी में आते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। तो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एट द, आंसर विल बी ए जेनेटिक लेवल। बीटी टॉक्सिन इज ए, आंसर विल बी सी क्रिस्टलाइन प्रोटीनेसियस इंसेक्टिसाइडल डेल्टा इंडोटॉक्सिन। डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड वेन, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो आंसर होगा डी, फादर इज कलर ब्लाइंड मदर इज कैरियर। इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएन टेक्नोलॉजी द आइसोलेटेड फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज, आंसर विल बी डी क्लोनिंग वेक्टर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स इन अ जीन पूल इज 0.19 a एंड 0.81 स्मॉल a। एज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड, यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट में, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजागस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, और बी है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजागस रिसेसिव्स इन द पॉपुलेशन। आंसर यहाँ पे डी होगा, 31% एंड 66%। ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। सुपर बग क्लेम्ड टू क्लीन अप आयल स्पिल्स इन द ओशियन इज, आंसर डी सीडोमोनास प्यूटिडा। 9. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, आंसर डी ऑपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रोमोटर एंड इंट्रोन। ये जो है हमारा रॉन्गली मैच्ड है, इंट्रोन्स नहीं होते हैं, एक्जोन्स होते हैं, और जो ए बी सी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एम आर एन टू मेक प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस। इफ नेटलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ पॉपुलेशन आर नियरली सेम इट विल बी टर्म्ड एज, आंसर यहाँ पे होगा बी स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में रिपीट कर चुका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म हु इज हेट्रोजाइगस फोर फोर लोकाई, आंसर यहाँ पे सी होगा 16। ओके, इन मोनोकॉट्स ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक, आंसर ए कैम्बियम। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवेन रिएक्शन, पायरुविक एसिड प्लस को ए प्लस एनएडी प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एमजी प्लस टू और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज गिव्स ए प्लस बी प्लस एनएडीएच प्लस एच प्लस। तो ए यहाँ पे होगा एसिटाइल को ए, बी यहाँ पे होगा CO2। ओके,
इन द प्लॉट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप फॉर द कोफिशियंट जेड द एक्सिस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स। आंसर यहाँ बी होगा। एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है एरिया को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज रिचनेस को। यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। स्किन कलर इनहेरिटेंस ऑब्जर्व इन मैन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है, आंसर होगा डी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इंटू मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन द, आंसर होगा बी सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कूड बी अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, आंसर विल बी ए ATGCAT। 18. द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स इज, आंसर डी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया इन हिली रीजन्स डज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सजेस्ट टू बी अंडर फॉरेस्ट, आंसर विल बी बी 67%। 33% प्लेन्स में होते हैं। यूकैरियोटिक जीनोम्स डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम इन, आंसर बी पजेजिंग हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। 21. इकोलॉजिकल निके इज, आंसर सी द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग will be observed the waved neck condition, answer will be CXO type of chromosomal pattern. Next, select the wrong statement with respect to glycolysis, answer will be D जो है glucose is phosphorylated to glucose 6 phosphate by acyl-maleic enzyme, ये हमारा गलत है, बाकी A, B और जो C है वो सही है। It occurs outside mitochondria यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट इज एन एनएरोबिक फेज और ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो सही है। रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट, आंसर विल बी बी 7 मिलियन स्पीसीज। विच इंडियन प्लांट्स हैव आइदर बीन पेटेंटेड और अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट देम बाई वेस्टर्न नेशंस फॉर दियर कॉमर्शियल यूज, आंसर डी बासमती राइस नीम एंड टर्मरिक। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, आंसर बी गुआनो डिपॉजिट जो है वो फॉस्फोरस साइकिल का एग्जाम्पल है। इफ द डीएनए स्ट्रैंड अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन हैज अ फॉलोइंग बेस पेयर सिक्वेंस, व्हाट वुड बी द सिक्वेंस ऑफ एम आर एन ए फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्ट्रैंड, 3' GATCTT AGC GGG AAT TC G5', आंसर हमारा सी होगा 5' CUA GAA UCG CCC UUA AGC 3'। ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, फर्स्ट द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ होमोपोलीसेकेराइड्स व्हाइल द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ हेटरोपोलीसेकेराइड्स, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे कर रहा है द फंक्शन ऑफ एन इंजाइम विल स्टॉप इफ इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, तो ये हमारा जो है वो सही है। थर्ड यहाँ पे कर रहा है द साइटोप्लाज्म कंटेन्स आर थाइमिडिलिक एसिड एंड आर यूरिडाइलिक एसिड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके तो ये जो है हमारा वो सही होगा। फोर्थ यहाँ पे है एरेकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये हमारा जो है वही फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे है सही, फोर्थ यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्टी
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ज्वाइंट डायस्टोल? ए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, बी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर क्लोज्ड, सी सेमिलूनर वाल्व्स आर ओपन और डी सेमिलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो ए और डी होगा, यानी कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन और सेमिलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, आंसर सी। नेक्स्ट, ऑन अ ग्राफ पेपर वन वी हैव प्लॉटेड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन सीन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अ न्यू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन सीन इन अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ पेपर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? आंसर विल बी ए द न्यू कर्व इज ऑन द राइट ऑफ द ओल्ड कर्व। ये भी जो हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट करके रखें। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। द इंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? आंसर विल बी ए पैकेटिन स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिलीज डज नॉट हैव अ डबल लेयर? आंसर बी लाइसोजोम्स हैव सिंगल लेयर। इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सर्जिकली रिमूव्ड द ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल्स एंड दैट ऑफ पोटेशियम राइजेज ड्यू टू? आंसर विल बी ए एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इसे जरूर नोट करके रखें। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आंसर विल बी ए क्लेविकल एस शेप्ड कॉलर बोन हैविंग फ्लैट मेडियल पार्ट एंड सिलिंड्रिकल आउटर पार्ट्स। तो ये हमारा गलत होगा, बाकी बी और सी जो है हमारा सही है, यानी करेक्ट मैच है। स्कैपुला अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड डोर्सली ओवर सेकेंड टू थर्ड रिब। सी एस्टाबुलम अ कैविटी फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम इशियम एंड प्यूबिस। डी पैटेला कप्ड शेप सिस्टमॉइड बोन मेकिंग नी ज्वाइंट। सडन एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स बाई चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। आंसर विल बी ए सी वाल राइट इफेक्ट। अ पेशेंट इज डायग्नोज विथ इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर एनीमिया ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज ही इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जितने भी डिजीज हैं उसको सिम्टम्स से जरूर याद रखें। इसका आंसर होगा सी एस्केरियासिस। मलेरिया अमीबियोसिस फाइलेरियासिस के बारे में पूछ चुका है पहले, निमोनिया के बारे में पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली इज एबसेंट इन ह्यूमन स्पर्म? आंसर विल बी डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एबसेंट रहते हैं, बाकी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मैन आर कट? आंसर विल बी सी सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स। ये भी जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अक्रेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट? तो यहाँ पे जो सी है वो टोटली रॉन्ग है। इट इज एबसेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द बिगनिंग। तो नोटोकॉर्ड बिगनिंग में होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में। बाकी ए बी और डी जो है करेक्ट हैं। इट इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेन इन एस्किडियंस। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन फ्रॉग और इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट, रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। सेकेंड, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड, द इजेशन ऑफ फैसेज टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग डिफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाई मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फोर्थ, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ इज अ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाई द वोमिटिंग सेंटर इज द मेडुला। आंसर विल बी बी सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ है हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो फर्स्ट है रेनिन इज अ
लाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो है हमारा गलत होगा। रेनिन का यहाँ स्पेलिंग जो है गलत है, RNNIN होना चाहिए। और रेनिन और रेनिन में कैसे कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, उसका हमने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे, तो उसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं चैनल का वीडियो देखकर। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन। आंसर विल बी टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबुल। ये हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन। आंसर विल बी ए, प्रोमोट शुगर रिलीज जो है वो नॉट इफेक्ट है। बाकी जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, इंक्रीज सलाइव सिक्रेशन और इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस है, वो सारे इफेक्ट हैं पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन के। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्डियक मसल। आंसर यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है वो डी होगा, मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लियेटेड। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ए बी और सी जो है करेक्ट है। इट इज अ कॉन्टेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन हार्ट, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हील ऑफ द एनिमल्स और दे शो रिलेटिवली रैपिड कॉन्ट्रेक्शन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल करके रीड कर लेंगे। को फैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ओके, आंसर हमारा सी होगा। प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंसिंग। आंसर विल बी ए, एल्बुमिन। अ पर्सन हैज एक्सहेल्ड फोर्सफुली, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन हिज लंग्स इज। आंसर विल बी सी, 1.2 लीटर्स। अ सेल डिवाइड्स एवरी 1 मिनट, एट दिस रेट ऑफ सेल डिविजन इट कैन फिल 100 ml ऑफ बीकर इन 1 आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल अ 50 ml ऑफ बीकर। आंसर विल बी सी, 59 मिनट्स। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा आर एक्ट एज साइट्स फॉर। आंसर विल बी बी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज नॉट नेसेसरी मैसेंजर इन हॉर्मोन मेडिएटेड एक्शन। आंसर विल बी डी, सोडियम बाई कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर ए, इच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2G एक्टिन, तो ये हमारा गलत है। बाकी बी और सी और डी जो है वो सही है। इच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमोर ऑफ जी एक्टिन। ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। और डी यहाँ पे है, ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन अलोंग इट्स लेंथ। आंसर हमारा ए होगा। होमोलोगस ऑर्गेन्स आर। आंसर सी, विंग्स ऑफ पिजन एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस जो है वो होमोलोगस ऑर्गेन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर मिस यूज बाई सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन टू इन्हांस दियर परफॉर्मेंस। तो आंसर हमारा डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि नारकोटिक एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स और डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। द फंक्शन ऑफ ओवरी इज, ये यहाँ पे कह रहा है टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, बी टू प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, सी टू प्रोवाइड द साइट फॉर इम्प्लांटेशन और डी टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। तो आंसर हमारा डी होगा, ए और डी जो है करेक्ट होगा, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओभा और टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। गिफ्ट इज फॉर, आंसर विल बी एग इम्प्लांटेशन फॉर इन वीवो फर्टिलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर विल बी सी, मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलप्ड थ्रू अ ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा।
ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी तो जरूर ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन है एनटीए मॉक टेस्ट का आउट ऑफ एनसीईआरटी उसे जरूर याद रखें। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, आंसर विल बी बी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। द स्पाइनल कॉर्ड इन मैन एक्सटेंड्स फ्रॉम द, आंसर विल बी डी मेडुला ऑब्लोगांटा टू द लेवल ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, फर्स्ट द सर्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज क्लोज टाइप, तो ये हमारा गलत है, ओपन टाइप होते हैं। इट कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट ऑर्टा ऑफ द हार्ट, तो ये हमारा सही होगा। थर्ड द हार्ट इज सिक्स चैम्बर, तो ये हमारा जो है गलत होगा, 13 चैम्बर होते हैं। द हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, तो ये हमारा जो है वो सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। इनुलिन इज अ पॉलीमर, ये जो है क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, आंसर हमारा सी होगा। फ्रक्टोज जो है वो इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। मिडिल लैमेला इज, आंसर बी मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हॉर्मोन्स आर लोकेटेड, आंसर विल बी सी ऑन द सेल सरफेस। रिसोर्स पासिंग इज इन एनवायरमेंट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड इंटरब्रीडिंग स्पीसीज लीड्स टू, आंसर विल बी बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर, आंसर ए इंटरफेरॉन्स। मैच द कॉलम्स वन एंड टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन, तो यहाँ पे टेस्टिस का होगा सेकेंड यानी ओवल होते हैं, इनफंडिबुलम का फोर यानी फनल शेप्ड, सी यहाँ पे यूट्रस का होगा फाइव यानी इन्वर्टेड पीरियड लाइक होते हैं, और डी यानी फ्रिम्बरी का होगा थर्ड फिंगर लाइक, और ई का क्लाइटोरिस का फर्स्ट इरेक्टाइल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ सस्पेंसर इज, आंसर ए टू पुश द एम्ब्रियो इन द न्यूट्रिटिव जोन। प्लांट पार्ट दैट पजेजेज पॉली आर कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स विथ अ वेल डेवलप्ड पिथ इज, आंसर विल बी ए डाइकॉट रूट। द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो है टोबैको मोजाइक वायरस का यह डायग्राम है, आंसर यहाँ पे जो लेबल्ड पार्ट है वो द जेनेटिक मटेरियल इसका पूछ रहा है, तो आंसर होगा डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा, ए का थ्री यानी मस्टर्ड का होगा, वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, बी का फोर यानी कि ब्रिंजल का एपिपेटलस स्टामेन, जितने भी सोलेनेसी फैमिली होते हैं उनके एपिपेटलस स्टामेन होते हैं, सी का सिट्रस का वन यानी पॉली एडल्फस कंडीशन होते हैं, बहुत सारे स्टामेन फ्यूज होते हैं, और सी का वन सिट्रस, सी का वन हो गया, डी का टू यानी कि पी जो होते हैं वो डायएडल्फस कंडीशन होते हैं। ओके, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो ये फिनोरिया का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ए जो है वो सीटा है, बी कैप्सूल, सी स्पोरोफाइट, डी गैमेटोफाइट, आंसर विल बी सी। द प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू, आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी यानी फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इफ 2n = 12 द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन न्यूसेलस इन टेगोमेंट एंड एग सेल वुड बी, आंसर विल बी ए 12, 12 एंड 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑल थ्री आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आंसर डी, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इन सी फोर प्लांट्स, आंसर ए, ग्राना इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स एंड एबसेंट इन बंडल्स विथ सेल। द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब रेड लाइट, रेड एंड फार रेड लाइट इज, आंसर डी, फाइटोक्रोम। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज, आंसर ए, ऑलवेज मोर देन इट्स सॉल्यूशन। इन टिश्यू कल्चर टेक्निक द सोर्स ऑफ कार्बन इज, आंसर डी, सुक्रोज। 78, द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर फेलोडर्म, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क की, आंसर विल बी, बी पेरीडर्म। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट, आंसर विल बी सी, सॉरी, हैज एन एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। द टीएस ऑफ द ओवरी शोज इन द फिगर रिप्रेजेंट, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, यानी स्वेलन, प्लेसेंटा, बाइलोकुलर ओवरी और बाइकार्पेलरी ओवरी। ओके, मैच द कॉलम्स वन वन टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवेन ऑप्शंस। ओके, तो ए का यहाँ लैमिनेरिया है तो सेकेंड हो जाएगा, बी है यहाँ पे पॉलिशिफोनिया और सी यहाँ पे फ्यूकस है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का वन। ओके, इन ह्यूमन बींग्स मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स काउजेज, आंसर विल बी सी, टर्नर सिंड्रोम। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर, आंसर बी, फ्लेसी एंड सीडलेस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आंसर ए, मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो है वो फाइकोमाइसिटीज में नहीं आते हैं, पफ बॉल्स वो एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, पफ बॉल्स एंड टोडस्टूल्स बेसिडियोमाइसिटीज। सही है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेलिया सोलानी और डी यहाँ पे है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर हमारा बी होगा, इन सम ग्रास द लीफ बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस, ये हमारा गलत होगा, बाकी ए सी और डी जो है सही है। इन मोनोकोटिलेडोन्स द लीफ बेस एक्सपैंड इन टू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। कॉमेलिना प्रोड्यूसेस, आंसर सी, बोथ क्लिस्टोगेमस एंड कैजमोगेमस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स एक्सेप्ट, आंसर ए, लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, ये जो हमारा गलत है, बाकी बी सी और जो डी है वो सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट एंजाइम्स, लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, मेक द इक्विलिब्रियम मोर फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म, लोअर द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अटेंस आर अल्टर्ड परमेबिलिटी इन द रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एंजाइम एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी शो दैट द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज एट लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये जो है सही है, बाकी सारे गलत लग रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट इज, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज ऑफ प्लांट और टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। विच आर द फॉलोइंग चेंजेज इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम
वेयर नॉट ब्राउट अबाउट आर एच बी टेकर, आंसर विल बी डी, ईस्ट यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज फंगस। ये हमारा जो है वो नॉट ब्राउट अबाउट आर एच बी टेकर है, बाकी ए बी और सी जो है वो थे। ब्लू ग्रीन एल्गी आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज प्लांट, क्लोरेला आर यूनिसेलुलर अल्गा इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लांट, और अमीबा एंड पैरामीशियम आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज एनिमल्स। आते हैं लास्ट क्वेश्चन बायो का है, लुपिनस आर्टिक्टस इज एग्जाम्पल ऑफ, आंसर डी, 1000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड्स। ओके ये सारे थे बायो क्वेश्चंस। अब आते हैं केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे केमिस्ट्री है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे जो है क्विक रिवीजन वीडियो आते रहेंगे। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PtNH2 होल्ड बाय Cl(NH2) CH3Br इज, आंसर विल बी सी, डाई अमाइन क्लोराइडो मिथेन अमाइन प्लेटिनम सेकेंड ब्रोमाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रूबिडियम इन Rb2O, Rb2O2 एंड Rbo2 कैन बी गिवन रिस्पेक्टिवली एज, आंसर विल बी सी, +1, +1 एंड +1 तीनों में। फॉर कोगुलेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, आंसर विल बी ए, AlCl3। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर NaOH प्लस Cl2, ए प्लस साइड प्रोडक्ट्स हॉट एंड कंसेंट्रेटेड, CaOH होल्ड बाय प्लस Cl2 गिव्स बी प्लस साइड प्रोडक्ट्स ड्राई, आंसर यहाँ पे जो होगा वो ए होगा, यहाँ पे NaCl3 एंड बी जो है वो CaOCl होल ट्वाइस होगा। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड्स वाया रिएक्शंस, आंसर विल बी सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली, आंसर बी, 1 एंड 0। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर अक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, आंसर विल बी डी, NH2CO(NH2) यूरिया। द प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द अबो रिएक्शन इज, तो यहाँ पे रिएक्शन है AgNO3 और हीट कर रहे हैं, एक्स बन रहा है, आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। अ सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ एटम्स पी क्यू एंड आर, पी फॉर्म्स अ एब्सिस लैटिस विथ क्यू एटम्स ऑक्यूपाइंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड आर एटम्स ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज, आंसर विल बी डी, Pt2QR और Q4 एंड R। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट कंसिडर्ड, आंसर बी, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड्स। सिक्स मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर साल्ट एंड Fe2SO4 होल थ्राइस रिक्वायर्स 500 ml ऑफ 1 m K2Cr2O7 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, द मोल परसेंट ऑफ द मोर साल्ट इन द मिक्सचर इज, आंसर विल बी 50। द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द गिवेन ट्रांसफॉर्मेशन इज, CH3CHO प्लस 4HCHO गिव्स कॉन्क NaOH गिव्स दिस कंपाउंड, आंसर है हमारे यहाँ पे बी होगा, 3। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3 इज, आंसर डी, 8। एमाइलोपेक्टिन इज कंपोज ऑफ, आंसर ए, अल्फा डी ग्लूकोज C1 to C4 एंड C1 to C6 लिंकेज। एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज Ka=3×10⁻¹⁵, द एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर इज रेड एंड द बेसिक फॉर्म इज ब्लू, बाई हाउ मच मस्ट द pH चेंज इन ऑर्डर टू चेंज द इंडिकेटर फ्रॉम 75% रेड टू 75% ब्लू, लॉग 3=0.4770, आंसर सी, 0.954। इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ AV मॉलिक्यूल इज गिवेन बाई
1.6 डी एंड ए बी द बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम देन परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड इज आंसर विल बी बी 33.33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आंसर ए जनरली टॉलरेंस रीएजेंट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। मैच द लिस्ट सब्सटेंसेज एंड लिस्ट टू प्रोसेस एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो आंसर हमारा डी होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को बोल जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं, नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबलैंक प्रोसेस और अमोनिया हैबर्स प्रोसेस। द नंबर ऑफ एन सी एच टू एन बॉन्ड्स इन इट्रोपीन इज आंसर यू सी 6। इन कंपाउंड सी एच एंड एन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज आंसर विल बी सी सी 6H8N2। कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन आंसर 2Ag+2H+ गिव्स H2+2Ag+ गिवेन ई नॉट Ag+2Ag=+ 0.80 वोल्ट। आंसर विल बी 154.4 किलो जूल। Pb एंड Sn आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दियर चीफ और बाई आंसर विल बी बी सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH गिव्स क्या यहाँ पे गिव करेगा Cl2 इज इन एक्सेस में यहाँ पे क्लोरीन। आंसर हमारे यहाँ बी होगा बेंजोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेज इज एन एक्सेप्शन टू EAN रूल गिवेन एटॉमिक नंबर जो है Pt=78, आयरन 26 और जिंक 30, कॉपर 29। आंसर विल बी डी Cu(H2O)4+2। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशंस A=0.388, B=0.388 एंड C=0.506 नैनोमीटर एंड α=β=90° एंड γ=120° इज आंसर विल ए हेक्सागोनल। द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Br(CF)Cl(Fe) इज आंसर विल बी C6। द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कली मेटल फ्लोराइड इन वाटर इज आंसर विल बी सी सबसे ज्यादा होगा RbF का, देन KF, उसके बाद NF और सबसे कम होगा LiF का। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पाइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स आर आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज यानी कि वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट C6H5C2O यानी सोडियम बेंजोएट ही है, टेबल सॉल्ट और शुगर। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट गैसेज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। आंसर है हमारे यहाँ पे डी होगा SO2 एंड NO2। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनिटिसिमल थिकनेस dr एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज 4πr² dr। द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ p ऑन r इज आंसर हमारा यहाँ पे d होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 3-phenyl-propyl रिएक्ट्स विथ HBr। आंसर विल बी b यहाँ पे होगा C6H5CHBr(CH2CH3)। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम
फ्रॉम 5 लीटर्स टू 50 लीटर्स एट 300 केल्विन, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज, आंसर ए 0। नेक्स्ट, द लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड NaCl इज 180 किलो कैलोरी पर मोल, द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस इज एंडोथर्मिक टू द एक्सटेंट ऑफ 1 किलो कैलोरी पर मोल, इफ द हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ Na+ एंड Cl- आर इन द रेशियो 6:5, व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na+ आयन, आंसर विल बी बी -97.6 किलो कैलोरी पर मोल। थ्री मोल्स ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विथ मेथेनॉल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, आंसर विल बी C6। व्हाट इज B इन द गिवेन स्कीम, PCl का 5 के साथ एडिशन करवा रहे हैं तो A बन रहा है, OA को अगर AgF के साथ करा रहे हैं तो B बन रहा है, आंसर हमारा जो होगा वो D होगा, स्वार्ट्स रिक्शन। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन लॉग T 50% वीएस लॉग कंसेंट्रेशन इन अ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन ग्राफ, आंसर विल बी ए N=1, T ½=0.693 के। हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन हियर, CH3CHO, CH3CO, CH3SCHO और PHCHO है, PHCOCH, ये सब है, यहाँ पे कर रहा है, आंसर यहाँ पे बी होगा 4। ओके, यहाँ पे हल्का हाइड्रोजन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, गिवेन R=0.082 लीटर पर लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, आंसर यहाँ पे सी होगा, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। व्हाट फाइनल प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन अल्कोहलिक KOH इज ट्रीटेड विथ 1:1 ड्राई ब्रोमो इथेन, आंसर विल बी डी इथाइन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफेनाइल मिथेन एंड हाउ मेनी डाइफेनाइल मिथेन इज C13H12 है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, आंसर हमारा बी होगा 4। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH=3 एंड pH=4, लॉग 5.5 के यहाँ जो वैल्यू है वो 0.74 है, आंसर हमारा डी होगा 3.26। 42, अ कंपाउंड विथ मॉलिकुलर मास 180 इज एसिलाइट एसाइलेटेड विथ CH3CO Cl टू गेट अ कंपाउंड विथ मॉलिकुलर मास 390, द नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिकुल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड इज, आंसर विल बी C5। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज, आंसर विल बी D1 सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर होंगे। ओके, फॉर द रिएक्शन P+Q गिव्स R रिवर्सिबली गिव्स R प्लस S, इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ P एंड Q आर इक्वल एंड एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ S विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ P, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आंसर विल बी 4। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P अपॉन रिएक्टिंग विथ NH3 गिव्स Q, ऑन हीटिंग Q गिव्स R, R इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट्स विथ Br2 टू गिव इथाइल अमाइन पी इज, आंसर विल बी CH3CH2COOH। ओके, ये सारे थे हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन, अब आते हैं फिजिक्स में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो पॉज करके, और नए व्यूवर्स से प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सारे क्विक रिविजन वीडियो सारे टेस्ट के NTA के आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिजिक्स का है, एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स द स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन विल हैव, आंसर विल बी डी, ऑल फ्रॉनहोफर लाइन चेंज्ड इनटू द ब्राइट कलर्ड लाइंस, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन द एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द
टू बॉल्स व्हेन इन एयर इज, आंसर विल बी ए इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विथ अ कॉन्स्टेंट टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ जूल बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। आंसर विल बी सी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ई डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म कंडक्टर, आई कॉरेस्पॉन्डिंग करेंट थ्रू इट, बी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पी डिनोट्स थर्मल पावर प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा सी होगा। द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर एसी मीटर्स एंड मेजर आरएमएस वैल्यू। आंसर हमारा बी होगा, 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट। द 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2Q एंड -4Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड एक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज, आंसर विल बी डी 2√3Qx। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm इन 10 डिविजन्स। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। व्हेन द टू जॉज ऑफ द कैलिपर्स टच इच अदर, द फिफ्थ डिविजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विथ अ मेन स्केल डिविजन एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर इज टू द राइट और जीरो ऑफ द मेन स्केल। व्हेन अ सिलेंडर इज स्लाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर एंड द फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, आंसर विल बी ए 3.19 सेंटीमीटर। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, आंसर विल बी सी मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। इट्स टेम्परेचर कम्स डाउन टू 33.33 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज, आंसर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। अ सर्टेन आइडियल गैस अंडरगोज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट सच दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज निगेटिव। इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस बी गामा, देन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एन विल बी, आंसर विल बी सबसे ज्यादा होगा गामा का, देन एन, देन सबसे लेस वन। थ्री आयन्स एच प्लस एच ई प्लस एंड ओ प्लस टू हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी पासिस थ्रू अ रीजन इन विच देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, देन आंसर विल बी एच ई प्लस एंड ओ प्लस टू विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। अ लार्ज बॉक्स इज मूविंग ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन साइड द बॉक्स विथ वेलोसिटी यू एंड एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल फ्रॉम बॉक्स फ्रेम। फॉर द गिवेन यू, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच हॉरिजेंटल रेंज इन साइड द बॉक्स विल बी मैक्सिमम इज, आंसर विल बी बी पाई बाई एट। अ रिंग ऑफ मास 5 kg स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल रॉड कनेक्टेड बाय अ ब्लॉक बी ऑफ मास 10 kg बाय द हेल्प ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, देन एट द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम द वैल्यू ऑफ थीटा इज, आंसर विल बी 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज, आंसर विल बी सी 10⁻¹⁵. अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के
इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ टेबल, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज जस्ट केप्ड ऑन टॉप ऑफ द स्प्रिंग, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, आंसर विल बी ए, जी इंटू अंडर रूट एम बाई के। अ लाइट होज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6×10^14 हर्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल होज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच इक्वल टू 6.63×10^-34 जूल सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6, देन 1.6×10^-19 जूल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी, आंसर विल बी सी, 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड आयल ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द हाइट ऑफ द वाटर लेयर इज 100 सेंटीमीटर एंड ऑफ द आयल लेयर इज 400 सेंटीमीटर, इफ जी इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम एन ओपनिंग इन द बॉटम ऑफ द टैंक इज, आंसर विल बी ए, अंडर रूट 920 × 980 होल अंडर रूट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म एंड देन इट ग्रेजेज द हाइपोटेन्यूज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, आंसर विल बी 1.414। एन आइस स्केटर स्पिन्स एट 3 π rad/s, विच विथ हर आर्म एक्सटेंडेड, इफ हर मोमेंट ऑफ इनर्सिया विथ आर्म्स फोल्डेड इज 75% ऑफ दैट विथ आर्म्स एक्सटेंडेड, हर एंगुलर वेलोसिटी व्हेन सी फोर्स हर आर्म्स इज, आंसर विल बी डी, 4 π rad/s। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सर्किट गिवेन हियर, आंसर विल बी ए और गेट। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस अंडर गोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, आंसर विल बी ए 0। सोलर कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, द डायमेंशन ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट आर, आंसर विल बी सी एम एल 0 t-3। टू कोहरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग इन द फेज इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 लेमडा, द लाइट इज कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा फ्रॉम द स्लिट S1 एज शोन, द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट O, आंसर विल बी B अंडर रूट 3 D। अ वेव पल्स इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग दैट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, इफ आर ए एंड आर बी आर द रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू द पार्टिकल स्पीड रेस्पेक्टिवली, देन आंसर विल बी बी, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट एस, एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/-1/3, द पावर डिलीवर्ड बाई एफ विल डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट एच, आंसर विल बी डी H^0। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम द डायपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विथ द एक्स एक्सिस, देन आंसर विल बी बी, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवेन बाई वी इक्वल टू वी नॉट एल एन आर बाई आर नॉट, वेयर आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, अज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू बी अप्लीकेबल, राइट वेरिएशन ऑफ आर एन विथ अ स्मॉल एन, एन बींग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आंसर विल बी ए, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज 1/4 द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ,
रिलेशन बिटवीन एच एंड आर इज, आंसर विल बी डी, एच इक्वल टू 7 आर। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लिनियर मोमेंटम पी इक्वल टू ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी, वेयर ए एंड के आर कॉन्स्टेंट। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम इज, आंसर विल बी डी 90 डिग्री। व्हेन एन आइडियल गैस विथ प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी इज कंप्रेस्ड एक्सोथर्मली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द प्रेशर इज पी वन। व्हेन द सेम गैस इज कंप्रेस्ड पॉलीट्रॉपिकली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी वी टू द पावर 1.5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द प्रेशर इज पी टू, द रेशियो पी वन बाई पी टू इज, आंसर विल बी ए 1/2। नेक्स्ट, अ हॉरिजेंटल ओवरहेड पावर लाइन इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज अ करेंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली सो डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड इज, आंसर विल बी डी 5 × 10⁻⁶ टेस्ला साउथवर्ड्स। अ बॉडी इज थ्रोन विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, फाइंड द टाइम गैप बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द बॉडी वेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, आंसर विल बी ए 1.15 सेकेंड। अ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 1 kg इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज शोन, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज -3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड, आंसर विल बी सी 3 मीटर पर सेकेंड। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 50 डेज, द टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन बिटवीन द टाइम टी टू व्हेन 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड एंड द टाइम टी वन व्हेन 1/3 ऑफ इट हैज डिकेड इज, आंसर विल बी 50 डेज। टू पॉइंट मासेज ऑफ 3.0 kg एंड 1.0 kg आर अटैच टू अपोजिट एंड्स ऑफ हॉरिजेंटल स्प्रिंग होज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 300 न्यूटन पर मीटर, एज शोन इन द फिगर। द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आंसर विल बी 3 हर्ट्ज। द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव लेंथ वेव इज 2 माइक्रोमीटर, देन इट्स मोमेंटम इज, आंसर विल बी ए 3.315 × 10⁻²⁸ kg/s। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल्स, दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2 एंड डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1। व्हेन स्ट्रेस्ड बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी रेस्पेक्टिवली, दे गेट एन इक्वल इंक्रीज इन दियर लेंथ्स, देन द रेशियो ऑफ एफ ए बाय एफ बी शुड बी, आंसर विल बी डी 8:1। अ मैंस नियर पॉइंट इज 0.5 मीटर एंड द फार पॉइंट इज 3 मीटर, पावर ऑफ अ स्पेक्टिकल लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, फर्स्ट यहाँ पे है रीडिंग पर्पस और सेकेंड सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली आर, आंसर विल बी सी +2 डायोप्टर एंड -0.33 डायोप्टर। इन बोथ द फिगर एट अदर फैक्टर्स, इन बोथ द फिगर ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दैट इन फिगर फर्स्ट ए बी इज रफ एंड बी सी इज स्मूथ, वाइल इन फिगर सेकेंड ए बी इज स्मूथ एंड बी सी इज रफ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द बॉटम, आंसर विल बी ग्रेटर इन केस फर्स्ट। अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर इज फर्स्ट एन एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक, सेकेंड एन एम्पलीफायर विथ रिड्यूस्ड गेन, थर्ड द वन इन विच डी सी सप्लाई एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू ए सी आउटपुट एनर्जी, देन आंसर यहाँ पे सी होगा, फर्स्ट और जो थर्ड है वो करेक्ट है। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन्स टू आइडियल गैसेज ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ ए बींग ट्वाइस दैट ऑफ बी अंडर सच कंडीशंस, द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी, द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, आंसर विल बी ए 3/4।
द लेंथ ऑफ गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाई 100% ड्यू टू द कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी आंसर विल बी डी 300%। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एट पी डी टू द सुपर पोजिशन ऑफ टू रेज कमिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स एस एज शोन इन द डायग्राम। द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेंड एट पी गिवेन दैट आर इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। आंसर विल बी बी एल इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू टू माइनस अंडर रूट थ्री। अ ट्यूनिंग फॉर्क फॉर नोन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मिक्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन वाज आंसर विल बी सी 251 हर्ट्ज। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg टाइड टू अ स्ट्रिंग इज जस्ट एबल टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 1 मीटर। द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज एट इट्स हाइएस्ट एंड लोवेस्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी इज आंसर विल बी बी 20 जूल। ओके तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे सारे मॉक टेस्ट के। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे 1 to 80। और जितने भी ट्रिक्स का वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।